हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आपको एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि हम कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पाए, कुछ अपने बिजी शेड्यूल के कारण हम कहीं व्यस्त हो गए थे, लेकिन आगे से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और हम कोशिश करेंगे कि डेली के हम लोग कुछ वीडियोस जो हैं आपके लिए अपलोड कर सकें, क्योंकि आपके इस सिलेबस पे और आपके वर्क पे भी अफेक्ट होगा। तो इसके लिए वी आर सॉरी। और हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्लास 10th में रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं परिवहन, या आप कह सकते हो परिसंचरण तंत्र। ओके, तो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं परिवहन की बात करूं, यानी संचरण की बात करूं, तो परिवहन का मतलब होता है मूवमेंट जनरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है सर्कुलेशन, या आप कह सकते हो मूवमेंट या फिर परिसंचरण कहलाता है। अब जनरली यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में भी सर्कुलेशन होता है, यानी यहाँ पे भी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होती है। और ये मूवमेंट जो है करने में मेनली कौन हेल्प करता है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ ब्लड। इस सारे काम में कौन हेल्प करता है, ब्लड हेल्प करता है। ओके, तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। क्लियर हो गया? तो ब्लड क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड? तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ब्लड के बारे में क्या लिख सकते हो, दैट इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हिंदी में आप लिख सकते हो तरल संयोजी ऊतक होते हैं। ये क्या होते हैं, तरल संयोजी ऊतक होते हैं, और ये मेनली हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो जनरली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर होता है हमारे बॉडी का, विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया। क्लियर? तो इन सभी चीज़ों में ये क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों के मूवमेंट में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स हो गया, हिंदी में हार्मोन्स ही बोलते हैं, एंजाइम्स हो गया, एक्सक्रीटरी वेस्ट को हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे पाचित भोजन आप कह सकते हो। तो इन सभी के मूवमेंट में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ब्लड हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो होता है एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये अलग अलग मूवमेंट में हेल्प करता है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसी तरीके से ब्लड जो होता है दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो बनता है प्लाज्मा से। ठीक है, किससे बनता है, एक तो बनता है प्लाज्मा से और दूसरा किससे बनता है, ब्लड सेल से। किससे बनते हैं, ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स को आप क्या कह सकते हो, रुधिर कोशिका कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रुधिर कोशिका। फर्दर जो ब्लड सेल्स होता है वो उसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से होते हैं, ब्लड सेल्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। पहला जो हो गया दैट इज़ RBCs कहते हैं, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। दूसरा हो गया WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, हिंदी में आप कह सकते हो लाल रुधिराणु। इसी प्रकार से WBC को आप कह सकते हैं श्वेत रुधिराणु, और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर पट्टिकाणु। क्लियर हो गया?
तो ये थ्री टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, यानी हमारा जो ब्लड होता है ये मेनली दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक तो आपका प्लाज्मा हो गया और दूसरा एक इससे बनते हैं रुधिर कोशिका से। रुधिर कोशिका इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये तीन होते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं, फिर हम आगे ये देखेंगे कि कैसे जो ब्लड होता है ये हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। हर एक काम को करने के लिए हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो इस काम को परफॉर्म करता है। जैसे आपने पढ़ा था डाइजेशन में हेल्प करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार से सर्कुलेशन के काम को परफॉर्म करने के लिए, सर्कुलेशन वाला काम किया तो ब्लड के द्वारा किया जाता है बट इसको भी परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे जनरली हम क्या कहते हैं, हार्ट। ठीक है, हिंदी में हार्ट को हम क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प इन सर्कुलेशन। ओके, तो हार्ट के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसे अपना काम करता है, बट सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ब्लड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लड के कॉम्पोनेंट्स के बारे में, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड्स के बारे में। ओके, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड्स यानी रुधिर के घटक, रुधिर के घटक की बात करते हैं। ठीक है, यानी रुधिर में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो एक ह्यूमन बॉडी होता है, एक एडल्ट होता है, उसमें जो ओवरऑल ब्लड होता है दैट इज़ 5 to 6 liters ऑफ ब्लड जो होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली ब्लड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी रुधिर कोशिका। प्लाज्मा को हिंदी में हम लोग प्लाज्मा ही कहते हैं और ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर कोशिका। फिर जैसे कि मैंने बताया कि रुधिर कोशिका को भी फर्दर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो पहला है RBCs, ठीक है ना, फिर है WBCs और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो ये मेन तीन पार्ट्स है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है। तो जब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज़ प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में सबसे पहला पॉइंट यही आता है दैट इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। इट इज़ द लिक्विड पार्ट यानी ये तरल भाग होता है किसका, रुधिर का। किसका होता है, रुधिर का तरल भाग होता है। क्लियर हो गया। सेकेंड चीज़ आप क्या बोल सकते हो प्लाज्मा के लिए, दैट द प्लाज्मा जो होता है इट इज़ अबाउट 50 to 55% ऑफ द ब्लड। ठीक है ना, ये ब्लड का टोटल 50 से 55% भाग जो होता है वो क्या करता है, 50 से 55% भाग जो होता है वो रुधिर का बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। तीसरा आप क्या लिख सकते हो कि जो प्लाज्मा होता है इसमें मेनली क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एंड अदर मटीरियल्स। ठीक है ना, अदर मटीरियल्स। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, जल होता है इसमें, लवण होता है, इसी प्रकार से इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी उपस्थित तो होती है। जल की अगर हम बात करें तो जल जो होता है दैट इज़ 90% पार्ट तो जल ही होता है प्लाज्मा का। इसके अलावा जो सॉल्ट्स और दूसरी चीज़ें जो होती है वो 1 से 2% पार्ट होती है, 8% पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है प्लाज्मा के मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा प्लाज्मा जो होता है ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स हो गया या फिर कुछ एंजाइम्स हो गए
न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स हो गया, इसी तरीके से कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो प्लाज्मा में ही क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। और प्लाज्मा क्या करता है, इसको हमारे बॉडी से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मा का। तो ये इतना एक इम्पॉर्टेंट फीचर जानने के लिए आपको काफ़ी है प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं दैट इज़ ब्लड सेल्स के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट अपना पार्ट देख लेते हैं दैट इज़ ब्लड सेल्स यानी रुधिर कोशिका के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, रुधिर कोशिका। तो अभी जैसे मैंने बताया कि रुधिर कोशिका तीन प्रकार के होते हैं, जो आपने देखा WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे रुधिर कोशिका जो होता है ये किसके अंदर होता है, ये प्लाज्मा में ही डिप्ड होते हैं। ठीक है ना, ये प्लाज्मा में डूबे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। किसकी बात कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं लाल रुधिराणु। क्या कहते हैं, लाल रुधिराणु। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो कहलाता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स कहलाता है। आरबीसी जो होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इट कंसिस्ट हीमोग्लोबिन। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड को लाल रंग देने का कार्य करता है, लाल रंग देने का कार्य करता है। इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड, प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड। ओके, ये मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आरबीसी का। जो पहला तो ये हो गया कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसके अलावा सेकंड फंक्शन क्या हो गया कि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हो गया? रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बाय कन्वेक्स होता है, बाय कन्वेक्स शेप का होता है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि ये विदाउट न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियस। विदाउट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसकी इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, एक्सेप्ट कैमल। जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें, उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट कैमल। ऊँट में, ऊँट के आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। तो ये है आरबीसी के बारे में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं WBC के बारे में। सेकेंड जो अपना है दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स। सेकेंड अपना क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत रुधिराणु। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ अब हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट फीचर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये तो एक स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैंने आरबीसी के बारे में आपको नहीं बताया, आरबीसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है या बनता भी है। साथ ही साथ एक और चीज़ बता दूं कि आरबीसी जो होती है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारे बोन मैरो में होती है। कहाँ होती है, हमारे बोन मैरो में। बेटा ये ध्यान रखना, आरबीसी का निर्माण हमारे बॉडी के बोन मैरो में होता है। क्लियर हो गया? ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में भी फॉर्म होता है। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये स्मॉल अमाउंट में फॉर्म होता है एंड इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी इसमें केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है।
इसके अलावा वाइट ब्लड सेल जो है WBC जो है, इनको हम लोग अपने बॉडी का सोल्जर कहते हैं, सोल्जर ऑफ दी बॉडी, क्योंकि ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज़ेस, ये हमें बीमारियों से क्या करता है, बचाता है, बीमारियों से बचाता है। क्लियर हो गया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वाइट ब्लड सेल्स का। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको आगे चल के मेन टू कैटेगरी में बांटा गया है, दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एक तो होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एक ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। ये दो में हिंदी में भी यही कह सकते हैं, कणिका रहित, कणिका युक्त, और ये होता है कणिका रहित। तो ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं, WBC के टाइप होते हैं, जो अलग अलग टाइप से हमारे बॉडी में पैथोजन्स से हमें क्या करते हैं, बचाते हैं, रोगाणुओं से बचाते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स को फर्दर तीन पार्ट में बांटा गया है, आप लिख सकते हैं, वो तीन पार्ट के नाम कुछ इस तरीके से है। ग्रैनुलोसाइट को ईओसिनोफिल्स में, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीन पार्ट में क्या किया गया, बांटा गया है। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसको, ग्रैनुलोसाइट्स को। इसी तरीके से एक ग्रैनुलोसाइट को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है WBC के बारे में, जैसे मैंने आपको बता दिया, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और इनके टाइप्स जो है, इनके भी फंक्शंस है, काम एक ही होता है, सब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस, और ये कितने तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो दिस इज़ अबाउट वाइट ब्लड सेल्स। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज़ ब्लड प्लेटलेट्स, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है दैट इज़ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं रुधिर पट्टी काणु, क्या कहते हैं, रुधिर पट्टी काणु। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, और मेनली जो होता है ब्लड प्लेटलेट जो होता है, इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग यानी ये रुधिर स्कंदन में हेल्प करते हैं, काम करते हैं, और रुधिर स्कंदन का मतलब क्या होता है, खून को जमाना। जनरली ये काम तब होता है जब आपको कोई घाव होता है या आपको कोई चोट या ब्लीडिंग होती है, तब क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। इसमें हमारी बॉडी जो है वो खून, कभी भी चोट लगने से, जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग जो है वो हमारी बॉडी में होने से रुक जाती है। और ये एक एंजाइम की वजह से पॉसिबल है, जिसको हम लोग कहते हैं फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन एंजाइम एक टाइप का प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, इस क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स में आप ये बता सकते हैं कि दीज आर द, ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जो लाइफ स्पेन होती है इट इज़ अबाउट 6 to 8 days की होती है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ब्लड प्लेट्स की लाइफ स्पेन जो होती है 6 to 8 days की होती है, उसी तरह से RBCs की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 120 days की। और अगर मैं WBCs की बात करूँ तो WBCs की जो लाइफ स्पेन होती है दैट इज़ अबाउट 12 to 20 days की, ठीक है। तो इस तरीके से इनके डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पेन होते हैं, और बाद में इतने के बाद ये क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो ये था स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ और मैं बता दूँ कि ब्लड के अलावा ब्लड वेसल्स भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।